गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड स्टडिंग थ्रू वीडियोस एट होम. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, गिव एंड टेक. गिव, अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो गिव का मतलब होता है देना और टेक का मतलब होता है लेना. मतलब अगर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं उसका मतलब है गिव. You are giving your thing to others. Take मतलब लेना. अब हम हिंदी तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो हमें इनका मैथमेटिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए. तो बच्चों देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. गिव मीन्स सब्ट्रैक्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, माइनस. एंड टेक मीन्स एड, इसका मतलब है प्लस. तो चलो बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. स्टूडेंट्स, हेयर दिस इज मीना एंड शी इज रीना. एज यू आर वॉचिंग, मीना इज हैप्पी एंड रीना इज सैड. नाउ लुक, व्हाई मीना इज हैप्पी एंड रीना इज सैड. हेयर मीना हैज 1, 2, 3, 4 बॉल्स. हाउ मेनी बॉल्स मीना हैव? 4. एंड रीना हैव 2 बॉल्स. It means Reena is sad because she has less balls than Meena. बच्चों आपको पता है less और more क्या है? More मतलब ज्यादा और less मतलब कम. अब यहाँ पर देखो मीना के पास कितनी बॉल है? 1, 2, 3, 4. कितनी बॉल है मीना के पास? 4. और रीना के पास देखिए 1, 2. इट मीन्स 4. 4 क्या है? ज्यादा है 2 से. 4 क्या है? मोर. एंड 2 इज कम है 4 से, तो ये हो जाएगा लेस. 2 का मतलब है, मतलब 2 जो है वो 4 से कम है, इसलिए 2 को आप क्या लिखेंगे? लेस. 4 ज्यादा है तो उसको क्या आप लिखेंगे? मोर. स्टूडेंट्स, मीना बिलीव्स इन शेयरिंग एंड केयरिंग. She wants to make her friend Reena happy. So what did she do? She gave her 1 ball to Reena. Now look at this. Meena has 4 balls. When she gave her 1 ball to Reena, how many balls are left with Meena? 1, 2, 3. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोई चीज किसी को दे रही है, पहले उसके पास 4 थी, लेकिन अब कितनी बच गई? 1, 2, 3. इसका मतलब है, गिव का मतलब है सब्ट्रैक्ट, माइनस. मतलब अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो आपके पास वो चीज क्या हो रही है? कम. जैसे मीना यहाँ पर, इसके पास पहले 4 बॉल्स थी, उसने अपनी 1 बॉल रीना को दे दी, तो मीना के पास कितनी बॉल्स बच गई? ओनली 3. सो इनिशियली मीना हैज 1, 2, 3, 4 बॉल्स एंड शी गेव 1 बॉल टू रीना. माइनस 1, इट बिकम 3. 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. नाउ लुक एट रीना. रीना हैज इनिशियली 2 बॉल्स. शी टेक 1 बॉल फ्रॉम मीना. टेक मतलब प्लस. तो यहां पर 2 पहले से ही थी उसके पास, प्लस 1 उसने ले ली मीना से, और उसके पास कितनी बॉल हो गई? 3. अब आप देखो, इनिशियली मीना के पास 4 बॉल्स थी और बाद में उसके पास कितनी रह गई? 3. इनिशियली रीना के पास 2 बॉल्स थी और बाद में कितनी हो गई? 3. इसने क्या किया, मीना ने क्या किया? अपनी बॉल दी, गिव. गिव मतलब माइनस, तो इसके पास 3 रह गई. अब रीना ने 1 बॉल ली, लेने का मतलब है टेक, तो इसका मतलब है टेक मीन्स प्लस. तो बच्चों आपको गिव और टेक का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा. गिव मतलब माइनस और टेक मतलब प्लस. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेट अस लुक एट दिस टर्म प्लेस वैल्यू. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस टर्म प्लेस वैल्यू. लुक एट दिस नंबर हियर, आई हैव रिटन 26. यू वेरी वेल नो दैट हियर 6 इज एट 1's प्लेस एंड 2 इज एट 10's प्लेस. यू हैव टू फाइंड, You have to understand this term place
value. Place value means this number is 26, and here place value of 6 is 1s and place value of 2 is 10s. Now if you have to add any two numbers, like I'm here adding 25 to 12, what will you do? You have to write here 1s and 10s. Now it is very easy for you to write 25. How? You have to write 5 at 1's place and 2 at 10's place. This is 25. Now next number is 12. 12 plus 12. Here 2 is at 1's place. So you will write 2 under the heading 1's. And 1 is at 10's place. So you will write 1 under the heading 10's, because 1 is at 10's place. Now whenever you add any two numbers, you will add 1's place to other numbers 1's place. Like here we are adding 25 to 12. Here 5 is at 1's place and 2 is at 1's place. So we are adding 5 to 2. Like this, 5 to 2. When you add 5 to 2, it becomes 7. Again, in number 25, 2 is at 10's place. And in number 12, 1 is at 10's place. So we add the numbers which are at 10's place together. Here, 2 plus 1 is equal to 37. Now students, if you have to add a two-digit number to a single-digit number, then what will you do? Here, I am writing it in two ways. I have written here 22 plus 9. Again, I have written 22 plus 9. Now, tell me which way is the right one. Whenever you look at these numbers, I have already told you that whenever you add the numbers, you will write 1's place under 1's place and 10's place under 10's place. But here in these numbers, here this number 22 is two-digit number. So this 2 is at 1's place and this 2 is at 10's place. But in a number 9, 9 is only at 1's place. The number at 10's place is missing. So what will you do? You will write, you will add the numbers at 1's place together. क्या करेंगे आप? जो भी number 1's place पर हैं उनको आप plus करेंगे और जो 10's place पर हैं उनको plus करेंगे. लेकिन यहाँ पर 10's place पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1's वाले जो हैं वो आपके एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, जैसे 2 के नीचे क्या आना चाहिए 9. और 10's place पे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपका कौन सा वे सही है? ये वाला. वो कैसे? अब आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 22 और यहाँ पर लिख दिया 9. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो 2 है वो 1's place है और ये वाला जो 2 है वो 10's place है. लेकिन जब मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर 9 जो है वो ओनली 1's place के ऊपर है, इसमें 10's place कोई नहीं है. लेकिन मैंने यहाँ पर 9 कहाँ लिख दिया है? 10's place के नीचे. इसका मतलब मैंने ये जो टर्म लिखी है ये गलत है. जब भी आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1's place के नीचे 1's place करेंगे. तो अगर आपको इस तरह का कोई सम आ जाता है जिसमें आपको टू डिजिट नंबर में वन डिजिट नंबर ऐड करना है या थ्री डिजिट नंबर में वन डिजिट नंबर ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? 1's place के नीचे उसी नंबर को लिखेंगे जो 1's place पे है. जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 22. Here 2 is at 1's place and this 2 is at 10's place. Again 9. 9 is at 1's place. So I am writing 9 under the heading 1's place. And 10's place, there is nothing at 10's place. You can write here 0. And then we add these numbers. 9 plus 2 is equal to 11. So out of that 11, I am writing this one over here and this one here. Again 2 plus 0 plus 1 is equal to 3. बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी करवाया ये आप अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा से कर दिया. बच्चों, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट दी हो, जैसे 22 प्लस 11,
तब आप क्या करेंगे, इसको इजीली कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएं, 11 मोर देन 31 देन व्हाट विल यू डू, तो इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। वो कौन से कीवर्ड्स हैं अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो ये रहे कि अगर कहीं ऐड लिखा है तो आपको क्या करना है, प्लस। कहीं प्लस लिखा है तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, प्लस। मोर देन लिखा है तो उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, प्लस। ऑल टुगेदर लिखा है उस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, करेंगे प्लस। टोटल लिखा है तब भी प्लस करेंगे, सम लिखा है तब भी प्लस करेंगे, गिव लिखा है तब भी प्लस, कंबाइन लिखा है तब भी प्लस, और इंक्रीज लिखा है तब भी आप क्या करेंगे, प्लस। तो आपने ये सारे वर्ड्स लर्न करने हैं जिससे कि आपको इजीली ये पता चल जाए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करना है या माइनस। अब कुछ वर्ड्स आपके सबट्रैक्शन के लिए भी हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है माइनस तो आप उसमें क्या करेंगे, माइनस। सबट्रैक्ट, माइनस। गिव लिखा है तब भी क्या करेंगे, माइनस। रिड्यूस लिखा है तब क्या करेंगे, माइनस। टेक अवे, दूर ले जाना, मतलब माइनस। लेस देन, कम होना, मतलब माइनस। डिक्रीज, कम होना, मतलब माइनस। डिफरेंस, मतलब माइनस। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे उसमें भी आप क्या करेंगे, माइनस। तो अब आपके लिए ये वाले क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 11 मोर देन 31, अब आप क्या लिखेंगे, 31 और 11 मोर, मोर मतलब प्लस। 11 में 31 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3+1, 4, और ये आंसर आ गया 42। इसका मतलब है अगर यहाँ पर मोर लिखा है तो आप क्या कर रहे हैं, प्लस। सेकंड क्वेश्चन, 10 less than 22, अब आपको पता है लेस कीवर्ड किसका था, माइनस का। 10 less than 22, मतलब 22 से 10 आपको कम करने हैं, तो 22 आप पहले लिखेंगे और उसमें से क्या लेस करेंगे, माइनस करेंगे 10। 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ये आंसर आ गया 12। तो लेस का मतलब है माइनस। अगेन 25 एडेड टू 40, एड मींस प्लस, इसका मतलब है आपको क्या करना है, 40 में 25 एड करने हैं, और ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 65। तो एडिशन का क्या मतलब है, प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 98 एंड 12 इज सम, अगेन सम का क्या मतलब है, प्लस। 98 प्लस 12, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसको आप अपने आप कर सकते हैं। बच्चों, जितना भी आपको पढ़ाया गया इसको आपने बड़े ही अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और नेक्स्ट पार्ट के साथ नई वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे। थैंक यू।